खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के युवा नेता और रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री खट्टर की सरकार पर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि ये सरकार जनभावना के खिलाफ बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने एक माहौल बनाया था मीडिया के द्वारा और न्यूज एजेंसियों के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े चैनलों पर प्रसारित किया कि हम 75 बार जीत रहे हैं, कई चैनलों ने तो 82 सीटें दिखाई, लेकिन रिजल्ट रहा केवल 40 सीटें। उन्होंने कहा कि यह जनभावना के विरुद्ध बनी हुई सरकार है क्योंकि प्रदेश के 12 में से 10 मंत्री चुनाव हार गए थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि लंगड़ी लुली सरकार है, इस सरकार के आने पर विकास के नाम पर स्पीड ब्रेकर लग गया है, 72 साल की सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी सरकार के समय बनी है। बीजेपी जो है सरकार आने के बाद खुद अपनी हार मान रही है और हर जिले में जाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हार के कारणों का मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस जो है 31 सीटें आने पर भी धन्यवाद रैली निकाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर 4200 वोटें आ जाती तो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरती और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके साथ साथ जो है कहा कि खुद जो है बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जिसमें रामविलास शर्मा जी भी हैं, उन्होंने खुद कहा झज्जर में कहा है कि सरकार के हारने का मुख्य कारण मुख्यमंत्री खट्टर की जन समर्थन यात्रा थी। जब प्रदेश के खुद उस समय के मंत्री और पार्टी के बड़े बड़े नेता ये मान रहे हैं कि खट्टर के पूरे हरियाणा में घूमने से सरकार हारी है, तो फिर ये सरकार कैसे जनता की भावना के अनुसार से जीती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सबसे बड़े पुराने नेता अनिल विज का मुख्यमंत्री से टकराव चला हुआ है, वहीं जजपा के सबसे सीनियर नेता राम कुमार गौतम और दुष्यंत के बीच एक जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने प्रदेश को 3 बार जो है जड़ा है, बेकसूरी 81 लोगों को मौत के घाट उतारा। सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं ये रास्ता बादली के थ्रू ही तय करूंगा। उन्होंने बादली में स्पष्ट रूप से कहा कि जल्द जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बादली से चुनाव लड़ूंगा और विधानसभा में जाऊंगा। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीवन के इस पड़ाव पर अगले वारिस के रूप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तैयार करना चाहते हैं। इस समय जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र जो है 73 साल हो गई है। अगर ये सरकार अपना टर्म पूरा करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस समय जो उम्र 70 साल के पार हो जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ और पुराने नेताओं में सोनिया गांधी का प्रभाव है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी खुद राहुल गांधी के साथ कोई तालमेल नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि आगे राहुल गांधी के नेतृत्व में दीपेंद्र हुड्डा काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने जो है धन्यवाद यात्रा की शुरुआत झज्जर से की थी, इसके बाद मैं खरखोदा गया, संभालका गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के द्वारा कलायत में की रैली में धन्यवाद यात्रा की और आज बादली में पहुंचा हूं। इसके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जजपा के नेता भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करते थे, लेकिन अपने जो है राजनीतिक स्वार्थ का उन्होंने समर्थन दे दिया और अपनी सरकार बना ली। उन्होंने कहा कि आज जो है कॉमन विनियोग प्रोग्राम तय नहीं हो रहा है, जबकि प्रदेश सरकार को बने हुए 3 महीने हो गए, आज की सरकार झूठ फूट और लूट की शिकार है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि कॉमन विनियोग प्रोग्राम के नाम पर ये लोग जो है सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और बार बार समय को खिसका रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला की राजनीतिक औकात मात्र 50 रुपये बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुष्यंत का वादा था कि 1 नवंबर सरकार आने पर 1 नवंबर से 5100 रुपये पेंशन मिलेगी, वही बीजेपी का वादा था कि 3100 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि पिछले 5 साल से भाजपा सरकार हर महीने 200 रुपये पेंशन बढ़ा रही थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो सिर्फ 250 रुपये पेंशन बढ़ी, जिसमें सिर्फ 50 रुपये की दुष्यंत कांड में सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई, इसलिए भाजपा की नज़र में दुष्यंत चौटाला के औकात राजनीतिक औकात सिर्फ 50 रुपये है। इसके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले कॉमन विनियोग प्रोग्राम तय हो गया था, तीनों पार्टियों ने मिलकर कॉमन प्रोग्राम तय किया, उसके बाद सरकार बनी। सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में गिरावट आ गई है, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया फिर भी जो जजपा ने सरकार बना ली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जो सरकार है वो जो है जन समर्थन के खिलाफ थी। तो मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहूंगा, हुड्डा साहब 2009 में आपकी भी सरकार बनी थी, 2004 में आपके 60 से ज्यादा विधायक आए थे, अगली बार जो है आपके केवल 40 विधायक रह गए थे, लोगों ने आपके विधायकों की संख्या 2/3 पर लाकर रख दी थी, जबकि भाजपा के तो विधायक 47 से सिर्फ 40 ही हुए। उस समय भी सेम यही सिनेरियो था, 6 निर्दलियों के समर्थन से आपने सरकार बनाई थी, बाद में जो है हजका में तोड़फोड़ की गई और उसके 5 MLA लपक लिए गए। उन MLA में से कुछ 2 को मंत्री बना गया, 2 को चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना गया, निर्दलियों में से भी 2 को मंत्री और 2 को चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना गया। तो क्या 2009 की सरकार जन समर्थन के फेवर में थी? इंडियन नेशनल लोकदल को भी आपकी तरफ से 31 सीटें ही मिली थी जो आज कांग्रेस को मिली हुई हैं।
दूसरी बात आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कॉमन विनोमिनेटर प्रोग्राम मिल गया, तो हुड्डा साहब महाराष्ट्र में तो बिल्कुल जो है भाजपा और शिवसेना की मिलकर सरकार बन रही थी, भाजपा ने 500 से ज्यादा सीटें ली थी, वहां तो कांग्रेस और एनसीपी को बिल्कुल ही जो है विपक्ष में बैठने का सरेआम जो है लोगों ने समर्थन दिया था, फिर वहां मिलकर आपने सरकार कैसे बना ली जबकि आप इस सरकार को कोस रहे हैं। उसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार जो है आप लोगों ने मुझे बहुत वोटें दी थी, फिर भी सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मुझे जो है विधानसभा मुझे जो है लोकसभा चुनाव हरा दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने 96 का लोकसभा इलेक्शन चौधरी देवीलाल से 2664 वोटों से ही जीते थे, जबकि 98 का इलेक्शन तो वो मात्र 383 वोटों से ही जीते थे, जबकि उस समय 9000 वोटों को रद्द कर दिया गया था। आप तो 7500 वोटों से आ रहे हैं, चौधरी देवीलाल तो मात्र 400 वोटों से आ रहे हैं। उस समय सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था, 21 से लेकर और 2000 तक हुड्डा परिवार ने 10 विधानसभा के चुनाव लड़े जिसमें से 8 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 1921 में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के परदादा चौधरी माथुराम ने 1921 में विधानसभा इलेक्शन लड़ा और वो उस समय चौधरी घासीराम सिंह मलिक से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1923 के इलेक्शन में वो डीएलएफ के 1923 में चौधरी माथुराम लालचंद्र बोगाट से चुनाव हार गए थे। 1924 के बाई इलेक्शन में चौधरी माथुराम एक बार फिर टेकराम गढ़वाली से इलेक्शन हार गए थे। चौधरी माथुराम अपने जीवन में 3 विधानसभा चुनाव हारे। उष्कर सिंह हुड्डा के दादाजी चौधरी रणबीर सिंह ने विधानसभा के चुनाव लड़े 4, उनमें से सिर्फ 2। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह ने 4 विधानसभा के चुनाव लड़े, उसमें से वो 2 चुनाव जीते, 1962 में कलानौर से और 1968 में कलोई से, जबकि 1967 और 1970 का चुनाव 1967 में बाबा सूर्यनाथ से और 1970 में हरिचंद हुड्डा से चुनाव हार गए थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ताऊ प्रताप सिंह भी 1972 का चुनाव बाबा सूर्यनाथ से हार गए थे। 1982 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हरिचंद हुड्डा से और 1987 का चुनाव श्री कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। कुल मिलाकर 10 चुनाव में से 8 चुनाव जो है हुड्डा परिवार हारा। केवल 2 बार जो है दीपेंद्र हुड्डा के दादाजी चौधरी रणबीर सिंह चुनाव जीते, जबकि उनके परदादा 3 बार, उनके ताऊजी 1 बार, उनके पिताजी 2 बार चुनाव हारे। तो इसलिए हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लोकतंत्र का एक तकाजा है हार और जीत का स्वीकार करें और जनता के काम करें। इसलिए अब जो सरकार बनी है हम सब लोग तो यही कामना करते हैं कि जनता के काम करें और लंबे समय तक चले। सरकार जनता के काम नहीं करती तो अपने दरों से गिर जाएगी। धन्यवाद।